हेलो फ्रेंड्स, राधे कृष्ण। छोटी छोटी हैक्स जुगाड़ जो हमारे कामों को बहुत आसान बना देता है। और बहुत सी चीज़ें ऐसी होती हैं घर में जो यूं ही पड़ी रहती हैं लेकिन बहुत ज़्यादा काम की होती हैं। तो आज इस वीडियो में आपके साथ कुछ हैक्स शेयर करने वाली हूँ। तो ये देखिए, जो मशीन का तेल हम मशीन में डालते हैं ना, अब इसमें कीप में छेद होता है। जब ये कीप गिर जाती है तो तेल फैल भी जाता है कई बार। तो बहुत ही आसान सा टिप्स आपके साथ शेयर करने वाली हूँ। किसी भी बेकार पड़े हुए पैन का हम इस तरह कैप लगा दें तो अब तेल बिल्कुल भी नहीं फैलेगा। अब ये देखिए, हम कहीं बाहर से आते हैं तो हमारे जो शूज़ होते हैं, फुटवियर होते हैं, वो गंदे हो जाते हैं यदि हम रैक पर उन्हें डायरेक्ट रख देते हैं। तो कई बार क्या होता है, जो हमारा शू रैक भी गंदा हो जाता है। तो उसके लिए सबसे आसान सा टिप्स है जो यह है कि जो हमारा कपड़े धोने वाला ब्रश है, एक ब्रश आप यहीं पर रख दें अपने रैक के पास और उस ब्रश से एक बार मारें नीचे की तरफ, और तब उसे रखेंगे आप तो जितनी भी धूल मिट्टी होगी वह गिर जाएगी और हमारे यह साफ़ रहेगा। अब तीसरा जो टिप्स वह इसी से संबंधित है। जब भी आप जूते चप्पलों को अपने रैक पर रखें, हमेशा एक न्यूज़पेपर ज़रूर बिछा लें जिससे कि आपका जो रैक है वह गंदा नहीं होगा। अब चौथा हैक है हमारा यह है, जो बच्चों के शूज़ होते हैं बहुत ज़्यादा गंदे हो जाते हैं, इन्हें बहुत आसानी से हम चमका सकते हैं। तो केवल आपको लेना है आधा आलू। इस आलू को आप अपने शूज़ पर, जो चमड़े के शूज़ होते हैं उन शूज़ पर आप पूरे पे बहुत अच्छे ढंग से रगड़ दें, और अब जो भी पॉलिश है उस पॉलिश की एक कोटिंग हम करेंगे और इन्हें हम उठाकर रख देंगे धूप में। यदि धूप नहीं हो रही उस टाइम, यानी कि आप शाम को कर रहे हैं, तो लगभग 15 से 20 मिनट बाद आप दोबारा इस पर ब्रश मारें। और यदि आप धूप में रख देते हैं तो बहुत ज़्यादा शाइनिंग वाली चमक आती है। तो ये देखिए, लगभग 15-20 मिनट बाद मैं इस पर दोबारा ब्रश मार रही हूँ। तो अब आप देखिए, दोनों में आपको अंतर पता चल जाएगा। ये देखिए, तो इसी तरह यदि आप करेंगे तो बहुत ही अच्छे जूते पॉलिश होंगे। अब हमारे यहाँ बहुत सारे कार्डबोर्ड के डिब्बे होते हैं, पड़े रहते हैं बेकार। तो बहुत आसान सा एक टिप्स आपके साथ शेयर करने वाली हूँ। यदि आप सिलाई करते हैं और आपके पास ढेर सारी रील हैं, धागे हैं, तो आप जो मिठाई के डिब्बे होते हैं वह बहुत यूज़फुल होते हैं। इस ढंग से आप इनका यूज़ कर सकते हैं। तो मैंने यह हाफ़ केजी का डिब्बा लिया है जिसमें मैं इन रीलों को रख रही हूँ। तो ये देखिए, सारी रील्स को मैं इसमें रख दूंगी। और ये देखिए, सारी यह डिब्बा मेरा भर चुका है लेकिन अभी भी काफ़ी रील्स बची हुई हैं। तो इसके लिए अब ये देखिए, बहुत तरह तरह के डिब्बे घर में कार्डबोर्ड के होते हैं। तो यह जो बड़ा डिब्बा है यह कपड़ों का डिब्बा है, और यह छोटे छोटे चूड़ियों वाले डिब्बे हैं। तो यह भी मैंने एक इसमें लगा दिए हैं। अब जो बाकी पड़ी हुई जो रील्स हैं वह मैं इसमें इस तरह सेट करती हूँ। अब ये देखिए, मैं हाफ केजी का मिठाई का डिब्बा एक और लूँगी और उसे मैंने कुछ इस ढंग से रख दिया है, और उसमें मैंने एक छोटा डिब्बा रखा है। इसमें मैंने ऑल पिंस रखी हैं जो सिलाई में काफ़ी ज़्यादा काम आती हैं, कुछ क्लॉथ क्लिप लगाई हैं, यह भी कपड़े सिलने में बहुत ज़्यादा काम आते हैं, फुट बॉबिन और इंच टेप, जो भी ज़रूरी सामान होता है मैंने इसमें रख दिया है। और ये देखिए सारा सामान इसमें सेट हो गया है। आपको वीडियो कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताएं, और अच्छी लगी हो तो एक लाइक ज़रूर कर देना, और जाते जाते चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना।